दोस्तों आपने ऐसी लिरिक्स वीडियोस देखी होंगी जो कि लाइक टेन पर मिलियन ऑफ व्यूज हैं और जो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। आज के इस दौर में ऐसी वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है, आप 15 मिनट में ऐसी वीडियोस बना सकते, पर आज के दौर में ऐसी वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती रीयूज कंटेंट इशू की वजह से। तो आज के स्टूडियो में आपको यही बताऊंगी कैसे आप ऐसी वीडियोस बनाकर एआई की मदद से उन्हें मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर वन, डू सॉन्ग रिसर्च। तो स्टेप नंबर वन पर हम वायरल सॉन्ग की रिसर्च करने के लिए हम आ जाते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर ये दुआ लिपा का ये वायरल सॉन्ग है जो कि उन्होंने 5 दिन पहले ही रिलीज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे हुडनी लिरिक्स, जिसका नाम है हुडनी। तो ये देखिए, हमने जैसे ये सर्च की यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये वीडियोस बनाई हुई हैं इन लिरिक्स पर। और ये देखिए, इनकी 2 डेज हो गए हैं, 5 डेज हो गए हैं, इनकी वायरल हो रही हैं ये वीडियोज़, ये देखिए। तो इन तो ऐसा ही सॉन्ग बनाने के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर गूगल पर, सर्च कर लेंगे हुडनी लिरिक्स। तो जैसे हम ये सर्च करते हैं यहाँ पर आपको लिरिक्स मिल जाएंगे, ये देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत से लिरिक्स आ गए हैं। हम सर्च करेंगे यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी, हम इस दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर आपको लिरिक्स मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिरिक्स पर आते हैं, हम इन सब सारे लिरिक्स को कॉपी करेंगे। ये जितने भी लिरिक्स हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म, तो हम क्या करेंगे इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक आई थिंक ख़त्म होता है, हम इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। तो हम न्यू नोट्स पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि हम इसे रीराइट कर सकें। तो उसके बाद हम आते हैं न्यू नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर टू, रीराइट सॉन्ग लिरिक्स। तो सॉन्ग को रीराइट करने के लिए हम यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सेंड द मैसेज बार पर। जैसे हम इस बार पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, ये पेस्ट कर देंगे, ये मैंने प्रॉम्प्ट पहले से तैयार किया हुआ है, राइट दिस सॉन्ग लिरिक्स इन अ अमेजिंग वे। मैंने लिखा है इस सॉन्ग लिरिक्स को अमेजिंग वे में रीराइट करें। तो उसके बाद जैसे मैंने ये लिखा, इसके बाद मैंने इसे सेंड कर दिया। जैसे हमने सेंड किया, ये देखिए इन्होंने इसे अनदर वे, मतलब अलग तरीके से इन्होंने इसे लिखा हुआ है, वही लिरिक्स को इन्होंने एक अमेजिंग और डिफरेंट वे में लिख लिया है, रीराइट किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लिरिक्स लग रहे हैं। तो ये मैंने क्या करना है, कॉपी कर देना है सारे लिरिक्स को। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए मैं पहले देखूंगी कैसे, अगर सही हुए तो हम इसे कॉपी करके इसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कर देंगे, अगर नहीं सही हुए तो हम इसे रीजनरेट करेंगे। ये देखें, तो ओके ये हो गए हैं जनरेट, ये देखें सारे हो गए हैं और ये मुझे बहुत ही अच्छे और कैची लिरिक्स लगे। यू कैन आप देख सकते हैं, ये देखें, तो जैसे ये हो गए मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और नोटपैड में हम पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू नोट्स पर, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है स्टेप नंबर 3, क्रिएट सॉन्ग्स विद एआई। तो सॉन्ग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड नंबर 1 ट्राई करते हैं जो है suno.ai पर आकर। जैसे आप ये सर्च करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं डिस्कॉर्ड पर। जैसे हम डिस्कॉर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर लॉगिन करना होगा और यहाँ पर इस इंटरफेस में आ जाएंगे आप। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको कोई भी सर्वर यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। ये देख सकते हैं चिप बेटा 1, 2 और 3, ये सर्वर्स हैं, इनमें से कोई भी आप एक ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सर्वर ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद आप में यहाँ पर स्लैश लिखना है और उसके यहाँ पर आपको चिप खुद ब खुद लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको इसे इंटर दबा कर सेंड करना है। जैसे आप इसे सेंड करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा आएगा एक्सेप्ट TOS। आप जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे ये इंटरफेस आए, आपको यहाँ पर टाइप ऑफ सॉन्ग लिखना है कि कौन सी सॉन्ग का टाइप क्या है। ये सॉन्ग का टाइप आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको वेरियस सॉन्ग लिखना है, जैसे मैंने हुडनी लिखना है, आपको लिखना है गूगल पर सर्च करना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हुडनी सॉन्ग। तो जैसे आप ये सर्च करेंगे, जो टाइप आएगा आपको वो यहाँ पर लिखना है। उससे ये बीट्स वगैरह बहुत ही अच्छी बनाते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से सॉन्ग्स बनाकर चेक किए हैं। उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे ये लिरिक्स को एनालाइज करने में और सॉन्ग को उस तरीके में उस तरीके से बनाने में, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। जब तक ये करते हैं, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ये देखिए, इन्होंने जनरेट कर लिया है हमारा सॉन्ग। जैसे ये जनरेट कर लेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, पर मुझे वो सॉन्ग अच्छे नहीं लगे तो हम मेथड 2 ट्राई करते हैं, जो कि ट्राई द बेटा।
यहाँ पर मैंने क्लिक किया, हम यहाँ पर इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी मैंने बहुत से सॉन्ग्स क्रिएट किए हुए हैं पहले से, तो क्या करेंगे हम इसे कॉपी कर लेंगे हैं इसको, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, जैसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है यहाँ पर बार पर, उसके यहाँ पर साइड पर क्रिएट का बटन होगा, हमें वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इस इंटरफेस में आ जाएंगे, ये देखें। तो जैसे हमारा ये इंटरफेस आ जाएगा हम क्या करेंगे पहले देखेंगे। तो मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा तो हम ये साइड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड वीडियो पर करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि इसे स्टेप नंबर 4 है, क्रिएट सॉन्ग लिरिक्स वीडियो। तो हमें सॉन्ग लिरिक्स की वीडियोस क्रिएट करनी है, जिसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर मैं गूगल पर आकर सर्च कर लेती हूँ नाइट पिक्चर्स। जैसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स वगैरह हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, जो कि ऐसे ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड भी हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें। ओके, हम जैसे इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत से इनसे भी अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, ये देखिए। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे सेव कर लिया है, आप कोई अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर कैनवा पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है यहाँ पर कैनवा पर। उसके बाद हम यहाँ पर ये एलिमेंट्स में जाकर इस शेप को क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे जितनी हमारी इमेज है उतना हम इसे ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ा कम कर लेंगे। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर लेते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर लेंगे। मुझे ये ट्रांसपेरेंसी इतनी सही नहीं लगी तो मैंने ब्लैक कर लिया, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करेंगे बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा है और बैकग्राउंड इतना नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये थोड़ी कम करने के बाद हमें ये मिला है, आखिरी फाइनल लुक ये है। तो उसके बाद इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं डाउनलोड पर, और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि स्टेप नंबर 5, एडिट वीडियो एंड प्रीव्यू। तो वीडियो एडिट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, पहले हम ये बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, फिर हम उसके बाद ये ये जो हमारा सॉन्ग था वो ऐड कर दिया है जो हमने क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद हमने जैसे ये जनरेट किया इसे मैंने एडिट कर दिया जहाँ से मुझे चाहिए था, तो इसे थोड़ा फेड इन और फेड आउट करती हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ यहाँ से इंट्रो हुआ है, और थोड़ा इंट्रो म्यूजिक भी मैंने थोड़ा सही से लगा दिया है ताकि जो सॉन्ग का नेम हो तो उसमें थोड़ा सा इंट्रो होता है तो वो सही लगे, प्रोफेशनल सॉन्ग जैसा लगे। तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर फिर हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैं सॉन्ग का नेम लिख लूँगी, यहाँ पर इंट्रो में सॉन्ग का नेम लिखेंगे, उसके बाद लिरिक्स स्टार्ट होंगे। पहले हम यहाँ पर इसे ये शेडो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कलर शेडो मुझे शेडो इतना अच्छा नहीं, शेडो ऐड कर देते वो ग्लो था तो ग्लो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो हमने ये शेडो ऐड किया। यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टाइल्स हैं अगर आपको चाहिए हों, मुझे इनमें से कोई स्टाइल नहीं चाहिए था, तो यहाँ पर बहुत सारे ये देखें, यहाँ पर आपको बहुत से आपको मिल जाएंगे फॉन्ट स्टाइल अगर आप जो भी ऐड करना चाहें। यहाँ पर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया है, और इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आप एडजस्ट करने के बाद हमें इसे चेंज कर देना है इस अल्फाबेट्स में। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है, एनिमेशन ऐड कर देनी है हमें, यहाँ पर थोड़ी एनिमेशन ऐड करेंगे, ये देखें ये इसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसे एडजस्ट करने के बाद हमें लिरिक्स के लिए भी स्टार्ट कर देना है एडिटिंग, लिरिक्स की एडिटिंग भी स्टार्ट कर देनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पहले सही किया हुआ है उसे ही ऐड करके यहाँ पर लिरिक्स ऐड कर देंगे उसी टेक्स्ट को ऐड करके। तो इसे हम पहले एडजस्ट करेंगे, ये देखें ये इतना सही नहीं आ रहा, तो इन्हें हम 3 लाइनों में कर देंगे, उसके यहाँ पर एडजस्ट करके सेंटर पर कर देंगे, और यहाँ पर इसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा लाइन का स्पेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये सही लग रहा है, तो मुझे ये ऐसे सही लगा। उसके बाद हम इसे फिर से ऐड कर देंगे यहाँ तक
हमें लिरिक्स वीडियो के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं, कहाँ से क्या शुरू हो रहा है और कहाँ से क्या शुरू हो रहा है आपको वहाँ तक ऐड करने होंगे। ये देखें, उसके यहाँ पर इसे कर देना है, ओके, एडजस्ट कर देंगे। और जैसे इसे एडजस्ट कर देते हैं, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से ये ख़त्म होकर ये शुरू हो रहा है। ओके, एनिमेशन भी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसका आउट्रो एनिमेशन भी ऐड करना है। ओके, यहाँ से हम इसकी आउट्रो एनिमेशन को ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद हमें ऐड कर देनी ये वाली एनिमेशन, बोले ये सही लगी। उसके बाद ये ऐड करने के बाद हम इसे एनिमेशन लगाकर एक्सपोर्ट कर देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी इसे एक्सपोर्ट करने के बाद। Shadows and whispers are materialized, a figment of imagination caught in disguise. Tell me your cravings, let them crystallize. I'll be the ghost that haunts your dreams at night. A thin enigma dancing in the moonlight. तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। I'll be the ghost that haunts your dreams at night. A thin enigma dancing in the moonlight.